सो नाउ टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, यहां से शुरू होगा अब असली खेल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने वाला। तो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज के अंदर कितने टाइप्स होते हैं इनइक्वालिटी के? तो यार 5 टाइप्स होते हैं। ये 5 सिंबल्स आप लोगों अपने लोअर क्लासेस में यूज खूब किए होंगे। तो सबसे पहला वाला लेस देन है, अगला है ग्रेटर देन, अगला है लेस देन इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये है नॉट इक्वल। अब अगर आप इसको देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे स्टूडेंट से, जैसे 5 ग्रेटर देन 4 होता है क्या? सो द आंसर वाज यस। क्या 5 ग्रेटर देन 5 होता है? सो द आंसर वाज नो। यहाँ पे लोग फंसे थे, यहाँ पे लोग फंसे थे। क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है? तो मैथ्स में वी से यस, बिकॉज ग्रेटर देन ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब देखो तो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आपको चेक करना है कि क्या ये इससे बड़ा है या इसके बराबर है। अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है तो वो इनइक्वालिटी ट्रू है, लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो वो इनइक्वालिटी है फॉल्स। इसीलिए यहां पे जब 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा था तो आपको अपने से क्या पूछना है, क्या 5 5 से बड़ा होता है? नहीं। क्या 5 5 के बराबर होता है? हाँ। तो जब आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर नो मिलेगा, आप सिर्फ तभी नो मार्क करोगे अगर दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर भी यस मिलता है, तो आपको यस मार्क करना है। क्योंकि और में क्या होता है ना, और वाले केसेस में हमको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करना होता है, हमको दोनों में से कोई एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये यस होगा या नो होगा? तो आपको फिर से क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या 6 5 से बड़ा होता है? यस। क्या 6 5 के बराबर होता है? नो। मैंने दो सवाल पूछा, दोनों में से कम एक सवाल पे यस आ गया, तो इसलिए यहाँ पे यस मार्क किए। नेक्स्ट लास्ट वाला, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका आंसर होगा नो। क्यों? आप जब ये दो सवाल पूछोगे खुद से, क्या 4 5 से बड़ा होता है? नहीं। क्या 4 5 के क्या 4 5 के बराबर होता है? नहीं। क्या 4 5 से बड़ा होता है? नहीं। दोनों सवालों का आंसर नो आया है, तभी जाकर हम इस केस में नो मार्क करते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्लाइड एक्चुअली लास्ट क्लास वाला था ना ये, अब अपन इस क्लास वाले पे आ जाते हैं। ओके, सो नाउ हम आएंगे सॉल्विंग इनइक्वालिटी के ऊपर, कि एक्चुअली में इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्योंकि अभी हम जो जो चीजें देख रहे थे ना, सिंबल्स को देख रहे थे, इंटरवल्स को देख रहे थे, ये हमको इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में, समझने में हेल्प करता है। ओके, तो देखिए गाइस, ये कुछ स्टेप्स है जो आप फॉलो करोगे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के दौरान। एक चीज याद रखिएगा यहां पे, steps are almost similar as you have followed in your solving of linear equations। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स को फॉलो करते थे ना, ऑलमोस्ट सारे स्टेप सेम है, एक्सेप्ट एक स्टेप को छोड़कर बाकी सारी टेक्निक डिट्टो सेम चलती है। जैसे कि यहां पे सबसे पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है, यू मे ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। आप सेम नंबर को इन इक्वेशन के दोनों साइड में ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग लोअर क्लासेस में भी करते थे, एग्जांपल की तौर पे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7 है, तो हम इसको क्या करते थे, हम 5 को दूसरे साइड में भेज देते थे ना। एक्चुअली में क्या होता था, तो हम इक्वेशन के दोनों साइड में 5 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैथमेटिकली अगर बात करें तो होता क्या है, हम इक्वेशन के दोनों साइड्स में 5 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता था कि ये जो 5 5 है ये कैंसिल हो जाता था और हमारे पास क्या मिलता था, x का वैल्यू मिलता था 2।
इसी तरीके का सेम एक्सप्रेशन आप यहां भी लगा सकते हो, जैसे कि मान लो हमारे पास आया x प्लस 5 ग्रेटर देन 7 और आपको x चाहिए था, तो आपको ये 5 को दूसरे साइड में भेजना है, तो आप डायरेक्टली भेज दो 5 को दूसरे साइड में, आपका साइन चेंज हो जाएगा, या तो वो कर सकते हो, या फिर यही मैथमेटिकली अगर बात करें तो हम इन इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इन इक्वेशन अभी भी वही रहने वाला है। तो यहां पे बनेगा x ग्रेटर देन 2, ठीक है, x ग्रेटर देन 2। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ना गाइस, कि हम जो भी स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं उससे मेरा इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे कि अगर आप दोनों साइड में इन इक्वेशन के दोनों साइड LHS और RHS में सेम नंबर जोड़ते हो या सेम नंबर घटाते हो तो उससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, पलटता नहीं है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है यू मे मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम पॉजिटिव एक्सप्रेशन। आप एक इक्वेशन के दोनों साइड को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। नॉर्मल हम जब लीनियर इक्वेशन में भी करते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहां पे क्या है, मान लीजिए कि अगर x ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है और अगर आपने दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 5x और ये हो जाएगा 10। तो यहां पे हम 5 से मल्टीप्लाई करें, साइन नहीं पलटा। लेकिन यहां पे लोग गलती, यही वो स्टेप है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक स्टेप को छोड़कर बाकी सारे स्टेप सेम होते हैं। ये कह रहा है यू मे डिवाइड और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नेगेटिव एक्सप्रेशन। नेगेटिव एक्सप्रेशन बोल लो या नेगेटिव नंबर बोल लो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। अगर आप इन इक्वेशन के दोनों साइड्स में एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सबको ही क्लियर हो जाओगे। मान लो एक केस लेते हैं 4 ग्रेटर देन 3 है, होता है ना 4 ग्रेटर देन 3। अब अगर हम दोनों जगह सेम नंबर ऐड करेंगे, देखते हैं क्या होता है, दोनों जगह 2 ऐड किए हैं तो दोनों जगह अगर 2 ऐड किए तो कितना बन गया, ये 4 प्लस 2 बन गया, ये 3 प्लस 2 बन गया, है कि नहीं। अभी भी तो इनइक्वालिटी वही चल रही है, क्या इनइक्वालिटी का साइन पलटा, नहीं पलटा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से सेम नंबर ऐड किए हैं, पलटा नहीं साइन। अगर हम दोनों जगह सेम नंबर से मान लो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 4 माइनस 2 इधर करना होगा और RHS में 3 माइनस 2 करना होगा। यहां पे भी देखो साइन अभी भी नहीं पलटा, 4 माइनस 2 का वैल्यू 2 है, 3 माइनस 2 का वैल्यू 1 है, तो 2 तो अभी भी 1 से बड़ा है ना, 2 अभी भी 1 से बड़ा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 या स्टेप नंबर वो जो प्रॉपर्टी 1 थी वो तो चलो सही लग रही है। आते प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता था, यू मे मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम पॉजिटिव एक्सप्रेशन। तो ये कह रहा है कि हम सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों जगह मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि 4 ग्रेटर देन 3 था, मान लो आप दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कितना बन जाएगा, 4 into 2, ये कितना हो जाएगा 3 into 2। आप देखिए तो साइन अभी भी सेम है ना, 4 into 2 8 हो गया और 3 into 2 6 हो गया, 8 6 से बड़ा होता है। सिमिलरली अगर हम दोनों जगह उसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो 4 by 2 कितना है, 2 होता है और 3 by 2 होता है 1.5। तो अभी भी अगर हम देखें तो हमारा वो स्टेप तो पूरा परफेक्टली स्टेप नंबर 2 या प्रॉपर्टी नंबर 2 यहाँ पे चल रहा है, लग रहा है एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा है कि जब आप एक नेगेटिव नंबर उठाते हो, जब आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, स्पेशली सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिविजन वाला केस, देन चलो देखते हैं क्या होता है। मान लो मैं अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे बनेगा 4 इंटू माइनस 2 और इधर क्या बनेगा 3 इंटू माइनस 2, है कि नहीं। पहले 4 इंटू माइनस 2, इधर बनेगा 3 इंटू माइनस 2। तो गाइस अब अगर हम इसको देखें तो 4 इंटू माइनस 2 तो मेरा माइनस 8 है और 3 इंटू माइनस 2 मेरा माइनस 6 है। अब बताओ तो इनइक्वालिटी का साइन पलटा या नहीं पलटा, चैट बॉक्स में बताओ।
इनइक्वालिटी का साइन पलटा यहां पे, यस और नो? पलटा है राइट। तो यहां पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि दिस इज वाई हम इस प्रॉपर्टी को देख रहे थे, ठीक है, दिस इज वाई हम इस प्रॉपर्टी को देख रहे थे। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर 6 का, प्रॉपर्टी नंबर 6 में अगर हम एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो मान लो हम -2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय -2 कितना हो गया -2, और 3 डिवाइडेड बाय -2 कितना हो गया -1.5। कौन किससे बड़ा है? अभी भी साइन चेंज हो गया ना, तो आपको समझना पड़ेगा इन दो जगहों पे क्या हुआ, इन दो जगहों पे साइन रिवर्स, रिवर्स मतलब लेस देन था तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो लेस देन इक्वल टू करते, लेस देन इक्वल टू होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू करते, सिंपली साइन को रिवर्स करती है। जबकि इन केसेस में क्या देखे हम लोग, इन केसेस में साइन डिड नॉट चेंज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। स्टेप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो वही सारी चीजें यहां पे एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है, वही सारी चीजें जो मैंने अभी नंबर लेके समझाया है वो यहां पे एक सिंपल ए और बी वेरिएबल लेके समझाया गया है, ठीक है, क्लास के नोट्स में आपको ये दिख जाएगा। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली हमें ध्यान किस पे देना है, तो अल्टीमेटली हमें ध्यान देना है कि किन किन चीजों के कारण डायरेक्शन चेंज होगा, किन किन चीजों के कारण डायरेक्शन चेंज होगा, इस पे हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, स्वैपिंग द राइट एंड लेफ्ट साइड। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, पलट देना। जैसे कि 4 > 3 होता है, 4 > 3 होता है, अब अगर आप 3 को पहले लिखते हो और 4 को बाद में लिखते हो, अगर आपने इसका पोजिशन पलट दिया एक्सप्रेशन का, तो आपका साइन क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेगा, ठीक है। आई थिंक बेसिक चीज है, बहुतों को ये चीज पता ही होगी, राइट। हम बस डिस्कस कर रहे हैं कि कहां कहां पे साइन पलटेगा, ताकि आप उसको अपने दिमाग में रखोगे और वो गलती ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। सेकेंड पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन बाई नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड, ये अभी हमने बात कर लिया, अभी हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हम थोड़ा देर बाद भी आएंगे, डोंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल हुज वैल्यू यू डोंट नो, एज यू डोंट नो द नेचर ऑफ द वेरिएबल। इस लाइन को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लो 4 > 3 था, ठीक है, आपने क्या किया, आपने किया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए, ठीक है, आपने किया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए। अब जब हमने दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई किया, तो एक जगह 4a बन गया, एक जगह 3a बन गया, ठीक है। अब गाइस पॉसिबिलिटीज क्या है कि 4a कैन बी ग्रेटर देन दिस, एक पॉसिबिलिटी है 4a कैन बी ग्रेटर देन दिस, एक पॉसिबिलिटी है 4a कैन बी लेस देन 3a, एंड एक पॉसिबिलिटी है 4a इज इक्वल टू 3a। अब आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में सोच के बताओ कि तीनों में से कौन सा ट्रू है। पहले था 4 > 3, ये तो सिंपल सी चीज है भाई, 4 > 3 होता है। हम अगर दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 4 बन जाएगा 4a, 3 बन जाएगा 3a। तो केसेस लिखा है मैंने आपके सामने, बताओ कौन सा ट्रू होगा, सोचो। मैं चाहता नहीं हूं कि जल्दी जल्दी जय माता दी करो, कौन कौन से सही है इसमें से। हर्ष ने सही आंसर दिया है, बाकी ऋषभ, अमृता, प्रदीप, अभय, गुलशन, आयुष, विवेक,
गलत है अभी तक, आप बाकी सबके आंसर गलत है। ट्राई इट आउट गाइस, सिंपल मैथ से यार, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि अभी कोई इलेवेंथ वाली चीज भी नहीं पूछी हुई है, बेसिक आईक्यू वाली चीज है ये। रितेश चैट ऑन करो, आपको चैट करो, ऑडियो ऑन करो, मैंने मैसेज किया है। रितेश लेफ्ट, मंजीत वेरी गुड, अमृता वो तो मैंने बताया नहीं, वो तो आपने सोच के पहले आंसर किया है। ओके, तो अब धीरे धीरे जब मैंने बोला कि गलत है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अच्छा वन मिनट, ये पायरो गेमर कौन है भाई? पायरो गेमर देन घोस्ट, प्लीज रिनेम योर, आप अपना नाम चैट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपको रिनेम करूं। हमारे कोऑर्डिनेटर्स को अटेंडेंस लेना होता है, उनको दिक्कत होती है। पायरो गेमर टेल मी योर नेम इन द चैट बॉक्स। एक्चुअली मैंने अपने अकाउंट में सेटिंग कर रखा है कि कोई रिनेम नहीं कर सकता है। टेल मी योर नेम इन द चैट बॉक्स, ऋषि ओके। और ये घोष कौन है भाई? घोष 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 बन के निकल गया क्या? हाँ ओके तो नेक्स्ट, अब समझो इधर बात को, द आंसर इज नन ऑफ दीस, तीनों में से कोई भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं कि एक ऐसा नंबर है, मैंने आपको बताया ही नहीं कि एक ऐसा नंबर है। क्यों? देखो, अगर ये ट्रू कब होता, व्हेन ए इज पॉजिटिव, व्हेन ए इज पॉजिटिव। अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था ना यार, कि अगर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटता है। तो अगर पहले का साइन था ग्रेटर का, तो अभी भी ग्रेटर का ही साइन है। नेक्स्ट, यहां पे 4a लेस देन 3 है, साइन पलट गया। साइन कब पलटता है? व्हेन ए इज नेगेटिव, व्हेन ए इज नेगेटिव। और तीसरा केस, 4a इज इक्वल टू 3a, ये कब होगा? तो 4a इज इक्वल टू 3a सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है व्हेन, बताओ क्या कब होगा? चैट बॉक्स में बताओ ना, 4a इज इक्वल टू 3a कब होगा? Exactly, when a is equal to 0. जब a का वैल्यू 0 होगा तो 4 into a का वैल्यू भी 0 और 3 into a का वैल्यू भी 0, तो 0 is equal to 0. बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? Are you getting the idea? ये जो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था, ये थर्ड पॉइंट पढ़ो अब दोबारा से, आप समझ में आएगा। डोंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल हुज वैल्यू यू डोंट नो। ऐसे कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा जिसका वैल्यू आपको नहीं पता, एज यू डोंट नो द नेचर ऑफ द वेरिएबल, क्योंकि आपको उस वेरिएबल का नेचर नहीं पता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जीरो है, ठीक है? एम आई क्लियर? क्या ये एग्जाम्पल और ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? कहां कहां पे साइन पलट सकता है, कहां कहां पे साइन पलट सकता है, क्या आप सबको समझ में आया? यस ऋषि, हैंड रेस क्यों, बताओ। अच्छा अगर क्लियर है तो जल्दी से यस पे क्लिक करो ना, गिव मी अ कंफर्मेशन, यस पे क्लिक करो। कहां पे दिक्कत हो रही है ऋषि, बताओ? नो पे क्लिक किए थे, कहां पे दिक्कत हो रही है? सर एक बार फिर से, सर ये, सर ये जो डायरेक्शन ऑफ सर इक्वल, ये सर इनइक्वालिटी है सर, एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा सर? जो ऊपर जो सर थ्री पॉइंट्स दिए हैं ना सर, वो बता दीजिए एक बार। आप सेशन के बीच में लीव कर गए थे क्या? यस सर, फोन आया था अवंती से ही। अच्छा, तो ये कह रहा है इसमें से एक पॉइंट तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। सबसे पहला पॉइंट है स्वैपिंग द लेफ्ट एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को जब हम स्वैप करते हैं, ठीक है, जैसे कि 4 ग्रेटर देन 3 होता है, तो अभी हमारा साइन क्या है? ग्रेटर का। अब अगर आप इसको स्वैप कर देते हो, स्वैप का मतलब है LHS को लिख दिया RHS में, RHS को लिख दिया LHS में, तो ऐसे केस में आपका इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, ठीक है? इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। ये था मेरा पॉइंट वन।
ये था मेरा पॉइंट वन. पॉइंट नंबर टू तो कह रहा है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बाई नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड. अगर आप सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव नंबर से दोनों साइड में तो साइन पलट जाता है. लास्ट केस क्या है, डोंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल हुज वैल्यूज यू डोंट नो एज यू डोंट नो द नेचर ऑफ द वेरिएबल. ये कह रहा है कि ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई ना कीजिएगा जिसका वैल्यू आपको नहीं पता. क्योंकि वैल्यू नहीं पता है तो आपको नेचर नहीं पता है कि वो नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिया था 4 ग्रेटर देन 3 होता है. अब अगर हम दोनों साइड में a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a ग्रेटर देन 3a भी पॉसिबल है, 4a लेस देन 3a भी पॉसिबल है एंड 4a इज इक्वल टू 3a भी पॉसिबल है. अब इसमें पहला केस क्या हो रहा है, पहला केस हो रहा है जब 4a ग्रेटर देन 3a कब होगा, जब a रहेगा पॉजिटिव. 4a लेस देन 3a कब होगा, जब a होगा नेगेटिव. और 4a इज इक्वल टू 3a कब होगा, जब a होगा जीरो. ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरली क्या करते हैं कि एक नंबर से मल्टीप्लाई a से मल्टीप्लाई किया तो साइन को सेम रखते हैं, साइन को चेंज नहीं करते. बट आपके सामने यहाँ पे तीन केसेस आ गए, कहीं पे साइन सेम है, कहीं पे साइन पलट गया और कहीं पे इनइक्वालिटी हट के इक्वालिटी आ गई. ठीक है ऋषि, ऋषि अभी क्लियर है? ओके. सो यहां तक तो हम कहीं ना कहीं सारे बेसिक्स पे आ गए. अब आते हैं जल्दी से सॉल्विंग के ऊपर ना. अब कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले टाइप वन क्वेश्चंस, सबसे पहले टाइप वन क्वेश्चंस की बात करें. अब आप मेरे साथ साथ ना नोट करना भी शुरू कर दो, बिकॉज पहले तो थ्योरी वाला पार्ट था तो थ्योरी को समझना था. अब आप क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर आ रहे हैं तो मैं भी लिखूंगा आप भी लिखो, मैंने इसलिए स्लाइड नहीं बनाई है. राइट, तो जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन सेवन. एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन सेवन, इसको मुझे सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब होता है x का इंटरवल निकालना. ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है. सॉल्विंग दिस वुड मीन finding the interval of x for which find x का वो interval निकालना जिसके कारण the inequation is true, जिसके कारण the inequation is true. आ रही है बात समझ में? इसको सॉल्व करने का मतलब, देखो यार अपन लोअर क्लासेस में एक चीज लिखिएगा मत, मैं आपको एक बार क्विक एक बार रिवाइज बता रहा हूं. जब x plus 5 is equal to 7 होता था, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता था? इसको सॉल्व करने का मतलब होता था x का वो वैल्यू निकालना जिसके कारण LHS is equal to RHS होता है. तो हम यहां से निकालते थे 5 को उधर भेजा, x का वैल्यू आ गया 2. x का वैल्यू 2 जब LHS में पुट करते हो तो 2 plus 5 7 RHS के बराबर आता था. तो ये हम करते थे लोअर क्लास में, इक्वालिटी को सॉल्व करते थे. इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब होगा उस वेरिएबल के लिए वो इंटरवल बताना, उस वेरिएबल के लिए वो पॉसिबल वैल्यूज बताना, इंटरवल बताना जहां पे वो इनइक्वेशन होगा ट्रू. ठीक है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे आप एक्स चाहिए हमको, तो आपका टारगेट अल्टीमेटली ये रहेगा कि एक्स को इनइक्वेशन के एक साइड में रखेंगे, चाहे LHS में रखेंगे या फिर RHS में रखेंगे. तो अगर हम इसको LHS में ही रखना चाहते हैं तो 5 को भेज देंगे राइट साइड में, तो ये बन जाएगा 7 - 5. सात माइनस पांच कितना हुआ? 2 हुआ. तो फाइनली हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है? एक्स ग्रेटर देन 2. अगर हम इसको इंटरवल के फॉर्म में दिखाएंगे तो इंटरवल के फॉर्म में क्या होगा? 2 से इंफिनिटी. ये हो जाएगा 2 से इंफिनिटी. अगर हम इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? इस तरीके से नंबर लाइन बनाओगे, यहां बीच में 2 रख दोगे और इसके ऊपर जैसे आप लोगों को टेक्निक बताई हुई है, 2 को हम काउंट नहीं करना चाहते, तो पहले तो 2 के ऊपर एक छोटा सा ओपन सर्कल बनाओगे और फिर इसके इधर इस तरीके से वो कर दोगे. ठीक है, तो ये जो दिख रहा है दिस इज नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया इसका इंटरवल वाइज सॉल्यूशन. ये इंटरवल वाइज इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं और ये क्या हो गया? ये इसका नंबर लाइन पे सॉल्यूशन हो गया.
नंबर लाइन सॉल्यूशन बोल लो या नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन बोल लो 2 कॉमा इंफिनिटी का। आई होप दिस इज क्लियर, प्लेन एंड सिंपल ना। देख सकते हो जैसे अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे एग्जैक्टली उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें मैं एक दो टाइप ऐड कर देना चाहता हूँ, टाइप इन द सेंस मतलब एक दो क्वेश्चन देता हूँ जल्दी से आप सॉल्व करके बताओ। आई एम गिविंग सिंपल क्वेश्चन, सो लेट्स से आई टेक 5x माइनस 7 लेस देन 2x प्लस 3, इसको सॉल्व कीजिए एंड देन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 2, इसको सॉल्व कीजिए। बढ़िया, चैट बॉक्स में आंसर बताना। ओके अमृता, एक्स अकेला होना चाहिए, आयुष गलत लिखे हो, इनइक्वालिटी का साइन गलत लिखे हो, अमन कुमार सही लिखे हो, गुड, विवेक सही है, विवेक एक्स अकेला होना चाहिए। अमन कुमार ऊपर गलत है, जैसे कि पहले इस सॉल्यूशन की बात करें, इस सॉल्यूशन की बात करें तो आपका टारगेट क्या होता था, आप थोड़ा सा एक बार रिकैप करो। जब अगर इनइक्वालिटी के जगह इक्वालिटी होता था तो 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होता था, तो आप क्या करते थे, आप वेरिएबल्स को एक साइड ले जाते थे, कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड में भेजते थे ना, तो यही काम हम इधर भी करेंगे, ये काम हम इधर भी करेंगे, हम 2x को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और हम माइनस 7 को भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये उस हिसाब से ये बन जाएगा हमारा 3x लेस देन 10 और x चाहिए हमको, x चाहिए तो आप 3 को क्या करोगे, 3 को करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या चाहिए हमको, यहां से हमको चाहिए x, तो 3 उसके साथ जो लगा हुआ है उसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्योंकि एक 3 पॉजिटिव नंबर था, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 3 एक पॉजिटिव नंबर था, इसीलिए साइन चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए साइन चेंज नहीं हुआ है। आयुष गलत है, आयुष The answer is x is less than equal to 3. अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, x belongs to what? x belongs to minus infinity से minus 10 by 3. साइन कैसे पलट चुके हो, ठीक है, साइन नहीं पलटेगा। साइन कब पलटता है याद रखो, साइन पलटता है सिर्फ और सिर्फ जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, तो इसको हम नॉर्मली जब हमारे पास एक इन इक्वेशन की जगह इक्वालिटी का साइन होता तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 2x प्लस 10 इधर शुरू हो गया, फिर ग्रेटर देन लगाए, उसके बाद ये हो गया 3x माइनस 2, है ना, ये हो गया 3x माइनस 2। हर्ष पूछ रहा है सर माइनस 10 बाई 3 कैसे, ओ सॉरी हर्ष, वो माइनस 10 बाई 3 नहीं है, वो 10 बाई 3 होगा। अब यहां पे आप इसके बाद क्या करते थे, वेरिएबल को एक साइड कॉन्स्टेंट को दूसरे साइड, तो मान लीजिए कि मैं 2x को RHS भेजना चाहता हूं और माइनस 2 को LHS भेजना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाता, 10 प्लस 2 ग्रेटर देन 3x माइनस 2x, तो ये हो गया 12
12 greater than x, 12 greater than x मतलब x less than 12 हो गया। अगर मैं इसको inequality के form में लिखूं, interval के form में लिखूं, तो ये क्या बन जाएगा? minus infinity से 12, है कि नहीं? ये बन जाएगा minus infinity से 12। Rishabh, again silly mistake, how come x greater than 12? Amrit Kumar, how come x greater than 12? Amrita, कैसे आया x greater than 12? चेक करो गाइस, साइन कैसे हुआ बताओ? ये दिस इज लेस ना, अमृत इज दिस क्लियर? ऋषभ इज दिस क्लियर? ऋषभ समझ में आया गाइस? किसी को दिक्कत है तो प्लीज बताएं। कोई पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया, हैव अ लुक। कौन सा पार्ट में ऋषभ? मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। कौन सा पार्ट सर? एक बार थर्ड पार्ट फिर से बता दीजिए सर। थर्ड वाले में देखो क्या हुआ ऋषभ, कि हम पहले 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो ये बन गया 2x plus 10, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 3x minus 2 है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि इसके जगह पे ये साइन की जगह, म्यूट कर लो यार आपका बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, मान लो कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाला है, ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करते? आप इसको कैसे सॉल्व करते? आप इसको यहां भेजते, है कि नहीं, और इसको यहां लेकर आते। तो सेम काम हम करेंगे, चाहे इक्वालिटी हो चाहे इनइक्वालिटी, क्योंकि हम सेम नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारा इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए, अगले स्टेप में हमने 2x को भेज दिया राइट हैंड साइड में, 2x को भेज दिया राइट हैंड साइड में, और माइनस टू को ले आए लेफ्ट हैंड साइड में। जब माइनस टू को लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो वो प्लस टू बन गया, और 2x को जब राइट हैंड साइड में भेजे तो माइनस 2x बन गया। तो अब राइट हैंड साइड में देखोगे तो 3x माइनस 2x है, उसका वैल्यू x लिखा हुआ है, और यहाँ पे 10 प्लस 2 12 था, तो उसको यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 12 ग्रेटर देन x हो गया, मतलब अगर हम इसको स्वैप कर देते हैं तो इसका मतलब x लेस देन 12 बुलाएगा। x लेस देन 12 अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो, अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, तो आपने पहले नंबर लाइन बनाया, फिर यहाँ पे 12 कहीं पे लगा दिया, अब 12 को काउंट नहीं करना है तो ओपन सर्कल, और इसके बाद 12 से छोटा, तो 12 से छोटा डाला हुआ है, तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे? मेरे फेवरेबल सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये सब मेरा सॉल्यूशन में काउंट होगा, ठीक है विवेक? माइनस इंफिनिटी इसीलिए क्योंकि एक्स आपने बोला कि माइनस 12 से हमारा इनइक्वालिटी निकला है, x 12 से छोटा है। अगर x 12 से छोटा है तो फिर वो कहां तक जा रहा है? माइनस इनफिनिटी तक ना। कोई भी नेगेटिव नंबर उठाओगे माइनस इनफिनिटी तक, वो सारे के सारे इस इनइक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है सर। अगर LHS में x वाले को लेकर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। हर्ष, हर्ष कह रहे हैं कि सर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हम LHS को नहीं ले जा सकते? तो बिल्कुल ले जा सकते हो। लेट्स से मैं इसको लेकर दिखाता हूं, एक और ट्राई, सेकंड अप्रोच कह लो इसको, टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस फाइव, टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन 3x माइनस 2। यहां पे वो क्या कर रहा है? उसने पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो 2x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 2 है। अब वो x के लेफ्ट हैंड साइड में x का साइड x को ले जाना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3x, और वो 10 को भेजना चाहता है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी माइनस 2 प्रेजेंट था, उसके साथ माइनस 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बना आपका माइनस x, यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बना आपका माइनस 12। तो एक साइड में था माइनस x, दूसरे साइड में था माइनस 12, लेकिन आपको क्या बताना है? आपको बताना है x का वैल्यू। अब आप खुद सोचो, x का वैल्यू अगर मुझे बताना है इधर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
बाय माइनस वन, मुझको दोनों साइड्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों साइड्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस वन इज अ नेगेटिव नंबर, तो बताओ क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है ना नेगेटिव नंबर में, तो माइनस एक्स इंटू माइनस वन क्या बन गया, प्लस एक्स। माइनस ट्वेल्व इंटू माइनस वन कितना बन गया, प्लस ट्वेल्व। पहले जो भी साइन था उसको पलट देना है, तो अब पहले अगर ग्रेटर का साइन था तो अब क्या हो जाएगा, लेस का साइन हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है। अब खुद देखो क्या है, मेरा आंसर अलग आया है पहले वाले से, क्या मेरा आंसर अलग आया, नहीं आया है, ठीक है। तो आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा कि आप किसी को भी किसी साइड ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अमन पूछ रहे सर हाउ टू रिप्रेजेंट एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। अमन आप अगर मेरे से पूछ रहे हो कि एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, ठीक है, तो इधर अगर आप देखोगे, अगर हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम यहां पे लगाएंगे 12, राइट। और आपने लिखा लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू लिखा तो पहले तो ये पॉइंट काउंट होगा, तो फिल सर्कल बना दिए, और इसके बाद इससे छोटा मतलब लेस ना, तो ये सारा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा वैल्यू मेरा सॉल्यूशन में आएगा, इंटरवल में आएगा, ठीक है। आदित्य पूछ रहा है कि सर माइनस वन और माइनस ट्वेल्व तो माइनस कट जाएगा ना। हाँ आदित्य कह सकते हो कि माइनस कट जाएगा, लेकिन अगर आप माइनस कट करते हो तो साइन पलटे गया। माइनस कट करने का मतलब क्या होता है आदित्य, अगर हम एक बार अपन लोअर क्लासेस की बात करें तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व में जब हम माइनस काटते थे ना, तो एक्चुअली में यहाँ क्या होता था, तो यहाँ माइनस वन से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम माइनस वन से मल्टीप्लाई ही तो करते थे एक तरीके का, तो यहाँ पे x बन जाता था, यहाँ पे 12 हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या आदित्य कि दिस वॉज इक्वालिटी, ये इक्वालिटी था, तो इक्वालिटी में आप पॉजिटिव से दोनों जगह मल्टीप्लाई डिवाइड करो या नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इक्वालिटी इक्वालिटी ही रहता था। इन इक्वालिटी में क्या होता है कि अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन पलट जाता है। तो ये गलती कोई ना करे स्टूडेंट्स कि आपने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया। अगर आप यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल करते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि लोगों के ये आंसर आ जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस से कैंसिल करने का मतलब ही हो गया माइनस वन से मल्टीप्लाई करना। अगर आप दो, अगर आप सेम चीज दोनों जगह से डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड और मल्टीप्लाई तो एक ही चीज होती है कि नहीं आदित्य, क्या ये चीज समझ में आया आपको। आदित्य बताओ जल्दी, गिव मी कंफर्मेशन ताकि हम आगे बढ़ सके। अगर आप माइनस कट करते हो तो ध्यान रखना साइन पलटेगा बस, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब सीखते हैं हम लोग वेबी कर्व मेथड। इस मेथड का एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है गाइस, ठीक है, बस ये एक ऐसा मेथड है जो यूज किया जाता है टू सॉल्व हाई ऑर्डर, टू सॉल्व हाई ऑर्डर इनइक्वालिटी। हाई ऑर्डर मतलब मुश्किल कह सकते हैं, मुश्किल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछूंगा वैसे इससे पहले, मेरे दिमाग में अचानक आया है तो इसलिए। गाइस ये बताओ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 का पावर कुछ भी रखूंगा वो वैल्यू कभी नेगेटिव होती है या जीरो होती है। टू टू द पावर एनीथिंग ये क्या होता है, इज इट इक्वल टू अ नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो,
क्या टू टू द पावर कुछ भी रखो, टू के ऊपर कोई भी पावर रखो, क्या वो नेगेटिव या जीरो होता है? हर्ष, मनजीत, अमृता, ये लोग कह रहे नहीं होता है, ठीक है, यस, जीरो नहीं होता। ऋषभ, टू का कोई भी पावर करो जीरो नहीं होता, जीरो पॉसिबल नहीं है। टू टू द पावर जीरो इज वन, टू टू द पावर जीरो इज वन, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि टू के ऊपर कोई भी पावर लगा देंगे वो जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। सॉल्व दिस, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए। मैं आपको दो मिनट का टाइम देता हूं, मैं पानी पी के आता हूं, ठीक है। नहीं ऋषभ, ऋषभ आप बहुत तुक्का लगाते हो ऋषभ, जो मैंने आज देखा आज की क्लास में, थोड़ा सा स्टार्ट थिंकिंग प्रॉपरली, बड़ा तुक्काबाजी चल रहा है आपका। हाँ मन बताओ, सर आर यू रिसीविंग माय चैट्स? यस आई एम रिसीविंग योर चैट मैसेजेस। हाँ हाँ, आई एम रिसीविंग योर चैट्स। आपने x लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, दिख रहा है मेरे को? ओके सर। हाँ ओके, तो चलो अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे बहुत लोगों को दिख रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करें, बट मैंने इसकी जस्ट ऊपर क्या डिस्कस किया है, 2 टू द पावर x विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, 2 टू द पावर x विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। तो गाइस, इफ इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर, सिंस 2 टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव इररेस्पेक्टिव ऑफ x, इररेस्पेक्टिव ऑफ x, x हम कुछ भी रखे, ठीक है ना, x हम कुछ भी रखे, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो आप इसको पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट करो, और अगर आप इसको पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट करते हो तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x प्लस 5 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 अपॉन 2 टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। जहां से अब 0 डिवाइडेड बाय नंबर, 0 डिवाइडेड बाय एनी पॉजिटिव नंबर, तो अपना 0 ही रहेगा। तो यहां से अपना x का वैल्यू क्या निकल कर आया, x का वैल्यू निकल कर आया लेस देन माइनस 5, ठीक है। यहां से वैल्यू निकल कर आया x लेस देन इक्वल टू माइनस 5। अमन कह रहा है सॉरी सर बट सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। कैसे नहीं पॉसिबल है? बोलो सर, जस्ट पुट द
value of x equals to minus 5 and then solve the inequality. Okay. अब आपको अभी पूरा क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं हुआ है. x is equal to minus 5 को छोड़कर अगर हम बाकी की बात करें तब सर, I mean just put the value x equals to minus 5 in the power of 2. 2 to the power minus 5. What will be its value? 2 to the power minus 5 will be 1/32. 2 to the power minus 5. ये तो फिर छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया. What is this? 1/2 to the power 5 ना? कितना बन गया ये? I think आपने ये सोचा कि define नहीं होगा. तो चलो ठीक है ना, समझो बात को. जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं राइट, अब आपके पास व्हाट शुड बी द प्रोसेस, तो आपको समझना पड़ेगा कि नाउ 2 टू द पावर x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. उसको हम शिफ्ट कर दिए, ठीक है, उसको हमने शिफ्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. Because x की जगह पे कुछ भी डालो ना, I am saying कि आपने x की जगह पे फ्रैक्शन डाला, आपने x की जगह पे मान लो 1/2 डाला. What is the power, अगर पावर में 1/2 जाता है उसका मतलब क्या है? पावर में 1/2 जाता है तो उसका मतलब क्या है विवेक? बेटा हालत बहुत खराब है. 2 to the power -3 आपने कितना बोला है? -8 बोला है, यही बोला चैट में ना. टू टू दी पावर माइनस थ्री आपने -8 बोला है. आर यू श्योर? मानते हैं लास्ट ईयर वाली पढ़ाई थोड़ी लॉकडाउन के कारण गड़बड़ हुई है, लेकिन ये तो क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर है. Guys, what is this? 2 to the power minus 3. 2 to the power minus 3 का मतलब 1/2 to the power 3 हुआ ना. जब पावर में नेगेटिव रहता है, पावर में नेगेटिव रहता है तो बेस कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है. And what is 1/2 to the power 3? This is 1/8. ये बेसिक चीजों को तो मैं सुनील सर जो अभी मैथ्स की क्लास ले रहे हैं ना, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स, प्रॉपरली बेसिक मैथमेटिक्स, मैं उनको बोल दूंगा ये सब चीज भी एक बार वहां पे करा दे. हाँ भाई बताओ. सर बोल रहे हैं सर, जो मेरा आंसर यही आंसर हुआ था, x greater than minus 5. x greater than बोलोगे या less than बोलोगे? नहीं, less than minus 5 भेजे थे सर मैं, सही है? हाँ, आपने चैट में भेजा था, आपका आंसर सही है भाई. ठीक सर. हाँ, चैट में अगर हम बात करें जितने लोगों ने आंसर भेजा था उसमें से एक आप थे और हर्ष राज था, बाकी और अमन कुमार था. ये तीन लोगों के आंसर सही थे, बट अमन कुमार ने उसके बाद पूछा कि उसको लगा कि सॉल्यूशन नहीं होगा. अच्छा मंजीत, आप छपरा के स्टूडेंट हो या बेगूसराय? चैट में बता दो, अटेंडेंस हो रहा है ना तो वो जान रहे थे. हर्ष, सुनील सर क्या कर रहे हैं ना, सुनील सर इज डिस्कसिंग बेसिक मैथ्स, वो वाला मतलब जो लोअर क्लासेस के मैथ्स होता है ना, जैसे कि एक्सपोनेंट्स हो गया, बेसिक फिजिक्स का स्टार्टिंग में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजों को डील कर रहे थे, ठीक है. और मैं प्रॉपरली 11th के सिलेबस को डील कर रहा हूँ. राकेश जी ये छपरा, ठीक है. ओके, तो गाइस सबसे पहले अमन, आई थिंक यू गॉट योर आंसर फॉर दिस. अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे -5 पुट करते हो, ठीक है, तो 2 टू द पावर -5 विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम 1/32 एंड माइनस x plus 5 जो ब्रैकेट है वो बन जाएगा 0. तो 1/32 into 0 क्या रहेगा? That will be 0.
बट आप देखो कि मैंने किस किस तरीके से सॉल्व किया है, तो मैंने देखा कि 2 टू द पावर x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मैं कह रहा हूं कि x का वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं है, कोई भी वैल्यू रखोगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर वो हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है ना, सो इन दैट केस आप क्या करोगे, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। व्हाई कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई? बिकॉज अब मुझको उस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता है। अगर मुझे पता चल गया कि पॉजिटिव है, मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं और उसका साइन नहीं चेंज होगा। अगर मुझे पता चल गया कि वो नेगेटिव है, मैं अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं और अब उसका साइन चेंज कर दूंगा। आपको जब थर्ड स्टेप बताया गया था, जो हमने यहां पे इस थर्ड स्टेप की बात की थी, डोंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल हुज वैल्यू यू डोंट नो एज यू डोंट नो द नेचर ऑफ द वेरिएबल। इधर हमने बात किया था कि हमको नेचर नहीं पता होगा तो हम उसको प्रोसीड नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? नेचर नहीं पता होगा तो हम प्रोसीड नहीं कर सकते। बट यहां पे क्योंकि हमको उसका नेचर पता चल गया कि वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो इन दिस केस हमें क्या करना चाहिए, हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इस 5 को अगर हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो क्या आता है, x less than equal to minus 5। अब आप चाहो just for verification purpose, अब आप कोई भी वैल्यू रखो ना जो x से minus 5 से छोटा है। तो मान लो कि आपने minus 6 रखा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, minus 6 रखा। अब देखो तो LHS कितना बनेगा, LHS बनेगा 2 to the power minus 6 into 2 to the power minus 6 into माइनस 6 प्लस 5, ठीक है, 2 टू द पावर माइनस 6 कितना हो गया, इट इज 1/64। 6 माइनस 6 प्लस 5 कितना हो गया, तो दैट इज माइनस 1। कितना बन गया, ये हो गया मेरा माइनस 1/64, एंड माइनस 1/64 इज लेस देन 0। तो ये मेरा इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। दिख रहा है गाइस आप सबको, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, टेल मी यस और नो, गिव मी अ कंफर्मेशन गाइस, क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है उसके साथ। मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं, वेबी कब मेथड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज वो मेथड में टाइम लगेगा, उसके ऊपर के फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अगर मैंने आज मेथड बता दिया। तो मैं सिंपल खाली इतना जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया उसी के ऊपर कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, वेरी गुड आयुष उज्ज्वल, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी फास्ट, वेरी गुड। सनी सही है, नहीं आदित्य कभी नंबर नहीं पुट करोगे, आप कभी भी नंबर पुट करके टेस्ट नहीं करोगे, मतलब आप अपना आंसर निकालने के बाद वेरीफाई कर लोगे, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। बट एक्स के जगह पे कोई भी ऐसे नंबर पुट करके करोगे ना, तो देयर आर हाई चांसेस दैट यू माइट मेक मिस्टेक्स। ओके अमृता गलत आंसर, नाउ इट इज करेक्ट। कोमल
एक भी मैसेज नहीं आया स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, इस तरीके से कोमल आपको मतलब कि कोपअप करना मुश्किल हो जाएगा। खाली सुनते रहोगे, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, एक बार भी मैसेज नहीं आया, इस तरीके से इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। कोमल लास्ट ईयर आप लोग 10th में थे, वहां की ऑनलाइन क्लासेस का सिचुएशन अलग था। नाउ यू हैव मूव्ड टू क्लास 11, जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली अर्णव राज, हार्डली मैंने आपके एंड से कोई मैसेज देखा है। सनी, हार्डली आपके एंड से कोई मैसेज देखा हुआ है। तो इस मानस कोई मैसेज नहीं देखा, इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे आप लोग। गुलशन, आप अपना मैसेज खुद ही पढ़ो तो क्या लिखे हो आप, 5 इज ग्रेटर देन 0, इज दिस अ सॉल्यूशन? क्या यहां से मुझे x का इंटरवल पता चल रहा है? ओके गाइस, चलो इसका डिस्कशन करते हैं। सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो सबसे पहले बात करें अगर x square का, तो x square is always greater than equal to 0 ना। x square एक perfect square है और perfect square का value या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो अगर मैं दोनों जगह पे 5 add कर दूं, दोनों जगह पे 5 add कर दूं, तो x square plus 5 क्या होगा? Greater than equal to 0 plus 5 होगा। x square plus 5 क्या होगा? Greater than equal to 0 plus 5 होगा। तो यहां से x square plus 5 will come out to be greater than equal to 5, है कि नहीं? तो फाइनली क्या मैं ये पॉइंट नहीं निकाल सकता कि अगर x square plus 5 हमेशा 5 या 5 से बड़ा होगा, implies या that is x square plus 5 is a positive number, yes or no guys? Is always a positive number लिखने, बताओ। जिन लोगों से solve नहीं हुआ उनके लिए है ये। सबसे पहले हमने क्या decide किया, x square plus 5 क्यों रखा मैंने expression, क्योंकि 10th में quadratic में ये आता था expression, तो आपको थोड़ा visualization होना चाहिए। So x square plus 5 will always be greater than equal to 5. Always greater than equal to 5 मतलब हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही रहने वाला है। तो कहने के लिए कहीं ना कहीं ये पिछला क्वेश्चन जैसा नहीं बन गया क्या? पिछला क्वेश्चन में 2 to the power x into x plus 5 था, तो 2 to the power x एक पॉजिटिव नंबर था हमेशा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो x square plus 5 क्या हो रहा है कि नहीं? तो इसको ऐसे समझ सकते थे कि अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में एक पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन में एक पॉजिटिव नंबर इनटू x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है, सॉरी लेस देन 0 है, क्योंकि x में प्लस 5 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा चाहे x कुछ भी रखे, लेकिन x माइनस 5 के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं, x माइनस 5 के लिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि x का वैल्यू मान लो 5 रखे तो 0 हो जाता है, 5 से बड़ा रखोगे तो x माइनस 5 पॉजिटिव हो जाएगा, 5 से छोटा रखोगे तो x माइनस 5 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो फाइनली हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव नंबर जो भी था उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा एक्सप्रेशन, x माइनस 5 इज लेस देन 0, और फाइनली यहां से निकलेगा x इज लेस देन 5, फाइनली यहां से निकलेगा x इज लेस देन 5, दिस विल बी माय सॉल्यूशन। हां भाई बताओ। सर मेरा आंसर भी इतना ही है, x लेस देन 5 है। हाँ एग्जैक्टली देखा मैंने आपका, इनफैक्ट सबने, अर्णव हो गया, अमृता, सनी, उज्जवल, गुलशन, सबने यही आंसर दिए। बट आई बिलीव सबने आंसर से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपने भी, आपका दिमाग में यही प्रोसेस चला था कि x square plus 5 हमेशा पॉजिटिव होगा तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? ये दिमाग में आया था कि नहीं? जितने लोगों का आंसर आया वो इंपॉर्टेंट है। हाँ गुलशन, हम तो सर पहले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद जो कॉमन होता है कॉमन निकाल के किए, तो x square plus 5 भी आया और x minus 5 भी आया था, तो x बराबर 5 आ गया था। लेकिन वो गलत तरीका था, बिल्कुल गलत तरीका था, क्योंकि सबसे पहले आप खुद सोचो, आप में से कुछ लोगों ने इसको कैसे किया होगा वो मैं एक बार अप्रोच को भी डिस्कस कर देता हूँ, जस्ट स्टे फॉर 2 मिनट्स। रॉन्ग अप्रोच,
आपने यहाँ पे क्या सोचा कि हमारे पास क्वेश्चन था x square plus 5 into x minus 5 greater than 0 था ना, या less than 0 दिया था, less than 0 दिया था, अब आप लोग अपने यहाँ पे अप्रोच समझो कि आपका, मेरे को लग रहा है जो लोगों ने गलत अप्रोच क्या रखा, हम क्वाड्रेटिक में करते थे कि अगर a into b is equal to 0 होता है तो या तो a 0 है या फिर b 0 है, तो आपने उस हिसाब को देखते हुए आपने लिखा होगा या तो x square plus 5 less than 0 है और x minus 5 is less than 0 है, ये ही लिखना गलत है, ये लिखना गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यार मैथ्स में जब दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, ये तभी हो सकता है जब या तो पहला नंबर जीरो है या फिर दूसरा नंबर जीरो है। इनइक्वालिटी में क्या होता है, जब दो चीजों का प्रोडक्ट आपको लेस देन जीरो आ रहा है तो उसका इकलौता पॉसिबिलिटी होता है या तो पहला जीरो दूसरा पॉजिटिव, सॉरी पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या फिर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। एक नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके वो लेस देन जीरो होता है, ठीक है? तो ये अप्रोच गलत है। अब आपने यहाँ पे सोचा होगा x square less than equal to minus 5, फिर आपको ये दिखा होगा not possible, क्योंकि x square कभी भी minus 5 है, छोटा नहीं होता, और यहाँ पे आपने देखा x less than equal to 5, ये आपका आंसर हो गया। बट यहाँ पे लकीली आपका आंसर सही आया है, ये अप्रोच ही गलत है, ठीक है? थोड़ा सोचो इसके ऊपर, मैं चाहूंगा कि खुद से थोड़ा दिमाग लगाओ ताकि आपको पता चले। कोई स्प्लिटिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हो, स्प्लिटिंग याद करो हर्ष, टेंथ में जब आप क्वाड्रेटिक करते थे तो स्प्लिटिंग होता था क्या हर केस में? नहीं, जहां पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो आता था। आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, कि स्प्लिटिंग कर सकते थे क्या? तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का मान लो, अगर आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके साथ कंपेयर करते हो तो आपको ए का वैल्यू 1 मिला, बी का वैल्यू 0 मिला और सी का वैल्यू मिल गया 5। अब अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हो डी, तो डी कितना है? इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो दिस कम्स आउट टू बी 0 माइनस 20। 0 माइनस 20 नेगेटिव हो गया, और आपको बताया गया हुआ होगा कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होती है तो उस टाइम पे उसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होता, उस टाइम पे तो उसके रियल रूट्स तक नहीं आते। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। सो इट्स 11:33, यहीं पे एंड करता हूँ सेशन, टेक अ ब्रेक। आई थिंक 12 बजे फिर आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी है। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेबी का मेथड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्चुअल इनइक्वालिटी। ये सब तो बच्चों का खेल था और ये सब बेसिक्स था, एक तरीके से वहां से शुरू होगा असली कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा नोट्स को, कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ लीजिए। कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? नो असाइनमेंट एज ऑफ नाउ, नो असाइनमेंट। मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ सिंपल असाइनमेंट बनता है तो मैं देता हूँ, ठीक है? चलो फिर, बाय एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं परसों की क्लास में।